कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ घंटों का ही इंतजार, और उसके बाद किस तरीके से यहां पर जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है। और आशीष, ये कितना बड़े लेवल पर इस अभियान को शुरू करने की तैयारी में इसराइल, जिसे लगातार शुरू से जो कहा जाता रहा है कि अब हमास का खात्मा, तो क्या इसे उसी दिशा में देखा जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं हमास के खात्मे को लेकर। एक है जो उनके आतंकी हैं गाजा पट्टी पर, उनका खात्मा कर दें, लेकिन क्या हमास के जो लीडर्स हैं, जो कोई कतर में बैठा है, कोई लेबनान में बैठा है, कहीं ईरान से सपोर्ट मिल रही है, जब तक उन लीडर्स का वर्चस्व रहेगा, उन्हें फंडिंग मिलती रहेगी, चाहे चीन की तरफ से बात की जा रही है या फिर सपोर्ट के लिए आप ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, जब तक ये सब चलता रहेगा तो हमास के आतंकी तो मारे जाएंगे, लेकिन क्या हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसमें मुझे शक है। लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं ये दर्शकों को जरूर बताऊं कि गाजा पट्टी पर हमास के आतंकियों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज। बिल्कुल आशीष, आप रहिएगा मेरे साथ, हम आपके पास आएंगे। अभी सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो पर ही। हमारे संवाददाता जोगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोगविंदर जी, आप क्या जानकारी वहां से देंगे? शरीन, देखिए, ये पहली तस्वीरें हैं जहां हमास के आतंकी घुसे थे और जहां उन्होंने पहला फराजा इलाके में आकर तोड़फोड़ की थी। ये वो गांव का इलाका है जहां पर अब सेना की छावनी है, लेकिन यहीं सबसे पहले आतंकियों ने घुसकर नुकसान किया था। हम यहां पर प्रवेश करने में आर्मी की मदद से कामयाब हो गए हैं और यहीं से वो सिद्रौत तक आतंकी गए थे। यह फराजा इलाका है, एक बार फिर मैं बता दूं आपको, यहां पर जगह जगह गाड़ियां तोड़ी गई हैं और मोटरसाइकिल पर सवार होकर जैसे आतंकी घुसे थे, ये देखिए तमाम गाड़ियां टूटी हुई हैं। अब इस इलाके में, इस गांव में जो बिल्कुल गाजा पट्टी के बॉर्डर से सटा हुआ है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेना का पहरा है, बाकी कोई भी आदमी नहीं है। यहां रास्ते में हमने देखा कि मलबे के अंदर कई सैनिकों की लाशें पड़ी हैं और बहुत से जवान जो है जिनको मारा गया है, जली हुई लाशें पड़ी थी, मलबे के अंदर से लाशें निकाली जा रही थी, और इसी तरह के हालात यहाँ पूरे इलाके में है। हम एक एक करके सारी तस्वीरें आपको बताएंगे श्रीन। बिल्कुल, तो जोगविंदर पटियाल, जिस तरीके से आप देखिए वो गाजा एरिया में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी गाजा पट्टी, इसी गाजा इलाके को पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी हो रही है अब इसराइल की तरफ से, जैसा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जोगविंदर, अब आपसे हम समझना चाहेंगे। जी जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं जोगविंदर जी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।